हेलो ऑल ऑफ यू, आगे पढ़ना चालू करते हैं अपन। अपन ने कौन सा चैप्टर चालू किया हुआ है? टाइप एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी, जिसकी एक वीडियो आप देख चुके हो, जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी पहले चालू किया था। उसमें अपन ने क्या पढ़ा था कि टोटल कस्टम ड्यूटी होती है वो 9 तरह की होती है ना, जिसमें पहले 3 तो ऐसी है जो हमेशा हर वक्त लगेगी, चौथी वाली जो है वो पर्टिकुलर कुछ गुड्स हैं तभी वो लगेगी, तो अगर वो पर्टिकुलर स्पेशल गुड्स है टबैको वगैरह तो 4 पक्की हैं, और बची हुई जो 5 है वो स्पेशल केसेस में होती है, जिसमें मैंने पेट्रोल वाली तो बताई दी थी। अब बची 4, उस 4 में से भी जैसे एक थी आपकी कौन कौन सी ड्यूटी, एंटी डंपिंग, एंटी सब्सिडी, प्रोटेक्टिव और ये हो गई सेफ गार्ड, तो उसके अंदर अपन 2 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब 2 और बाकी है आपकी, जिसमें एक का नाम है एंटी डंपिंग और एक का नाम क्या है सेफ गार्ड। तो ये पढ़ते हैं अपन, क्यों लगती है, कितने अमाउंट तक लग सकती है, क्या इसका एक्सेप्शन है, वो समझते हैं अपन, है ना। पहले अपन चलते हैं एंटी डंपिंग की तरफ, मेरी बात सुनो। क्या पढ़ा अपन ने एंटी डंपिंग के अंदर, वो ढंग से सुनना, बाकी सबकी मैं आपको ऑडियो भी भेज चुका हूं डिटेल के अंदर। अभी है एंटी डंपिंग ड्यूटी, डंप करना मतलब क्या पढ़ा था अपन ने, मैं छोटा सा और भी दिया था, अगर फॉरन में फॉर एग्जाम्पल iPhone 5 एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, मान लीजिए iPhone 5 आपको बताया, नाम सुनते ही 5 बोला तो आपने कहा अरे पुराना सा, तो अब मेरी बात सुनो, फॉरन के अंदर किसी एक्सपोर्टर के पास 1,00,000 iPhone 5 पड़े, अब उसको पता है कि US के अंदर ये माल जो है वो पुराना हो चुका है, US में आपको खरीद नहीं रहा है, इंडिया में अभी भी चल रहा है, और इंडिया में चल रहा है लेकिन ज्यादा समय तक नहीं चलेगा, इंडिया वाले भी फिर लेटेस्ट की तरह बढ़ जाएंगे तो ये भी नहीं चलेगा, ये भी बंद हो जाएगा। पता किया कि US हो या इंडिया, रेट क्या चल रही है, 10,000 रेट इंडिया में चल रही है, और उसको पता है कि अगर मैं भी 10,000 में बेचना चाहूंगा तो फिर क्या होगा, महीने 2 महीने बाद जो इतना लाख मोबाइल मेरे पास पड़े हैं उसमें से कुछ ही बिक पाएंगे। अगले ने क्या किया, 10,000 रेट चल रही है, केवल 7,000 रुपए में ही इंडिया में इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, जो चीज 10,000 की है उस चीज को 7,000 में इंडिया में इंपोर्ट कर दिया। अब 30% डिस्काउंट मिलेगा तो लोग फटाफट उसी से ही खरीदेंगे, और होगा क्या, वही iPhone 5 इंडिया के बहुत सारे होलसेलर से के पास, रिटेलर के पास पड़ा है, लेकिन बजाय उन लोगों से खरीदने के लोग जो है वो इससे खरीदेंगे, क्योंकि ये 10,000 की चीज को साथ में ही करके बेच रहा है तो और सस्ता तो नहीं है। तो अब उस केस में गवर्नमेंट कहती है, अगर हमें पता चल गया, मेरी बात अच्छे से सुनना, अगर हमें पता चल गया कि कोई बंदा फॉरन का सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, ये वर्ड सबसे जरूरी है, जब तक एग्जाम में ये लिखा हुआ नहीं आएगा अपन ये ड्यूटी नहीं लगा सकते। अगर गवर्नमेंट को पता चलता है कि कोई बंदा सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का कोई गुड्स है जो इंडिया में बहुत ही कम प्राइस के अंदर इंपोर्ट कर रहा है, याद रखना 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, पहले तो लिखा हुआ होगा हल्की क्वालिटी का कोई गुड्स है, और दूसरा लिखा होगा बहुत सस्ते में इंडिया में डंप कर रहा है, जो रेट होनी चाहिए उससे कम में दे रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है फॉर प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, मतलब 3 बातें मिलकर एंटी डंपिंग ड्यूटी को लगाने को बोलेगी कि अगर सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट है, बहुत लो प्राइस में इंडिया में डंप किया जा रहा है जिसकी वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंच रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहेगी ठीक है हम सेटिस्फाइड हैं, आप इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी चार्ज करो। क्लियर? तो अगर कोई इंडिया क्वेश्चन आता है अच्छी क्वालिटी का गुड्स इंपोर्ट हो रहा है सस्ते में, उस पर ये नहीं लग सकता, प्रूफ होना पड़ेगा कि ये गुड्स सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का। क्लियर? तो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी सस्ते में आ रहा है चेक करेंगे अपन, और प्लस इंडिया की इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है तो फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी। चलो ये तो हुआ रीजन, अब सेकेंड बात, कितना अमाउंट, हर टैक्स का एक फिक्स अमाउंट होता है, मैक्सिमम अमाउंट होता है। ठीक है, 2 को छोड़ के सेफगार्ड और प्रोटेक्टिव, उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ मैक्सिमम ड्यूटी इतनी होगी, लेकिन बाकी सारे टैक्सेस में एक फिक्स अमाउंट होता है कि हाँ इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। अब इसका मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा, गवर्नमेंट कहती है नॉर्मल प्राइस कितनी है इसकी US में, 10,000, बेच कितने में रहा है अपन को 7,000, इसका मतलब ये कितने रुपए डिस्काउंट दे रहा है 3,000, वो डिस्काउंट के बराबर मार्जिन
ऑफ डंपिंग कहलाएगी और मार्जिन ऑफ डंपिंग ही मैक्सिमम अमाउंट होती है फॉर एंटी डंपिंग ड्यूटी। मतलब कल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी का मैक्सिमम अमाउंट क्या हो सकता है, मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो आपका आंसर आएगा कि मैक्सिमम अमाउंट होगा मार्जिन ऑफ डंपिंग। मार्जिन ऑफ डंपिंग बोल दो या डिस्काउंट बोल दो, और डिस्काउंट मतलब नॉर्मल वैल्यू जो उसकी होनी चाहिए माइनस एक्सपोर्ट प्राइस, वो बेच कितने में रहा। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, देखना वो नॉर्मल वैल्यू कितनी है। लिखा हुआ है 10,000, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10,000 है, बेच कितने में रहा है 7,000, तो 10 - 7 3,000 रुपए जो है वो क्या होगी मार्जिन ऑफ डंपिंग। इसके बराबर गवर्नमेंट जो है क्या ले सकती है एंटी डंपिंग ड्यूटी। समझ में आ रहा है? तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी क्यों। पॉइंट नंबर टू, अगर लगेगी तो उसका मैक्सिमम अमाउंट क्या होगा। अब पॉइंट नंबर थ्री, ये नॉर्मल वैल्यू और एक्सपोर्ट प्राइस क्या होती है, ये आपके नोट्स में भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। नॉर्मल वैल्यू के लिए मैंने जो आपको नोट्स दिए उसमें क्या लिखा है, नॉर्मल वैल्यू मतलब उस एक्सपोर्टर के देश में, मतलब ये आईफोन जो है वो यूएस से आए मान लो, तो यूएस के अंदर आईफोन 5 कितने रुपए में नॉर्मली बेचा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल वैल्यू। अब अगर क्वेश्चन उठता है कि यूएस में तो ये बिक ही नहीं रहा है फिलहाल, तो फिर किसी और देश के अंदर नॉर्मल वैल्यू कितनी है वो देख लो। पहले यूएस को प्रेफरेंस दो, फिर यूएस के बाद किसी और देश को प्रेफरेंस दे दो, वो भी नहीं पता चले तो फिर गवर्नमेंट कहती है कॉस्ट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट, उसको बनाने में खर्चा कितना है प्लस प्रॉफिट मार्जिन जोड़ दो। ठीक है, प्रैक्टिकल इतना डिटेल में कोई नहीं पूछता, फिर भी नॉलेज के लिए कि नॉर्मल वैल्यू मतलब यूएस की कंट्री में कितने रुपए में ये आईफोन बेचा जाता है। क्लियर, नहीं पता है तो किसी और देश के अंदर देख लो, वो भी नहीं पता है तो कॉस्ट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट क्या आती है नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू को कोई प्रैक्टिकल नहीं आता लेकिन नॉलेज के लिए अपन को ध्यान रखना चाहिए। अब फिर एक्सपोर्ट प्राइस क्या है, एक्सपोर्ट प्राइस मतलब जितने में अपन को वो इंडिया में बेच रहा है। क्लियर, मतलब 10,000 रुपए की वैल्यू यूएस में चल रही है तो नॉर्मल वैल्यू हो गई 10, अपन को वो 7,000 में दे रहा है तो एक्सपोर्ट प्राइस कितनी हो गई 7। और अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये एक्सपोर्ट प्राइस में कुछ झोल है, कुछ ना कुछ ये छुपा रहा है, तो उस केस में गवर्नमेंट अगर चाहे, गवर्नमेंट के पास एविडेंस हो छुपाने के, तो गवर्नमेंट ये चेक करेगी कि इंडिया में इंपोर्ट होने के बाद वो इंपोर्टर जो है जो 7,000 में मोबाइल मंगवा रहा है वो फर्दर कितने में आगे बेच रहा है। ठीक है, प्रैक्टिकली बल्ली प्रैक्टिकल नहीं हो लेकिन अपन को थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी। तो एक्सपोर्ट प्राइस मतलब आपने फॉरेन से गुड्स इंडिया में कितने में मंगवाया है, वो नहीं पता है तो इंडिपेंडेंट बायर की प्राइस पता करेंगे। क्लियर, वैसे हमेशा एक्सपोर्ट प्राइस पे ही टैक्स लिया जाता है, तो फाइनल क्या रहेगा एंटी डंपिंग ड्यूटी इक्वल मैक्सिमम अमाउंट क्या होगा मार्जिन ऑफ डंपिंग, और मार्जिन ऑफ डंपिंग मतलब नॉर्मल वैल्यू माइनस एक्सपोर्ट प्राइस। क्लियर, नॉर्मल वैल्यू मतलब यूएस में रेट कितनी चल रही है और एक्सपोर्ट प्राइस मतलब इंडिया में उसने कितने में बेचा। ये दो पॉइंट खत्म। थर्ड पॉइंट, कौन से केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है हमें एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लेनी, चाहे हमें आंखों से दिख रहा है वो इंडिया में हल्के प्रोडक्ट को सस्ते में बेच रहा है। अगर इंपोर्ट करने वाला कौन है, ईओयू और एसईजेड। मतलब अगर इंपोर्टर ये बोले कि मैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग से बिलोंग करता हूं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से बिलोंग करता हूं, तो ये दोनों एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक तरह से जो अपन बोलते हैं ना जमाई टाइप है, ये लोग इनको गवर्नमेंट बहुत हथेलियों पे रखती है और कहती है ये दोनों अगर इंपोर्ट करें तो हमें इनसे एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं चाहिए, लेकिन इनको बोल के रखती है यूं नहीं, इंपोर्ट करने के बाद इंडिया में वापस दूसरी जगह पे बेच दो, बेचोगे तो टैक्स ले लेंगे, खुद के लिए मंगाओ नहीं चाहिए। क्लियर, तीन पॉइंट हुआ। चौथा, अब चौथा पॉइंट क्या, चौथा पॉइंट क्या है मेरी बात समझना, कुछ लोग क्या चालाकी कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया इफ आईफोन 5 इंपोर्टेड फ्रॉम यूएस देन एंटी डंपिंग ड्यूटी शैल बी चार्ज। कस्टम ऑफिसर के पास वो एक सर्कुलर आया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई आईफोन 5 यूएस से इंपोर्ट हो रहा है तो उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी बिना लगाए इंडिया में उसको क्लियर नहीं करे। तो अब
कस्टम ऑफिसर तो नींद दे रहा है आराम से फ्री है कि देखेगा यूएस से आ रहा है आईफोन 5 है तो लगाऊं वरना ना लगाऊं। ये बात इंपोर्टर को पता चल गई कि कस्टम ऑफिसर ध्यान ही नहीं दे रहा, कस्टम ऑफिसर तो बस एक पॉइंट को पकड़ के बैठा है, अपने तो बस ये ध्यान रखो कि यूएस से कोई गुड्स आ रहा है और वो आईफोन 5 है तो लगाऊंगा। बंदे ने क्या किया, इंपोर्टर ने चालाकी करी, ये सारा नुकसान इंपोर्टर ही तो भरता है। इंपोर्टर ने चालाकी करी, यूएस से पहले यूके भेजा, यूके से इंडिया भेज दिया। अब इंपोर्टर को हवाई, सॉरी कस्टम ऑफिसर को हवाई नहीं लगी कि ये तो वो तो सोच रहा था यूएस से आएगा तो लगाऊं, उसने तो यूके से मंगा लिया। फिर या तो एक तो ये तरीका, दूसरा तरीका इंपोर्टर ने क्या किया, पूरा आईफोन 5 एक साथ नहीं मंगाया, टुकड़ों में मंगा दिया, बैटरी अलग, कवर अलग, कांच अलग, वो अलग, एकदम तो अनअसेंबल्ड करके फिर मंगवा लिया, हवाई नहीं लगी। या फिर आईफोन 5 को आईफोन 6 लिख के भेजवा लिया, मंगवा लिया, समझ में आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने को पता चला टाइम बाय टाइम कि लोग बड़े आजकल होशियार हो गए हैं, लोग कोई बंदा टुकड़ों में मंगवाता है, कोई बंदा नाम चेंज करके मंगवाता है, कोई देश अलग ही से इंपोर्ट करवा लेता है। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर हमें पता चला आपने देश बदल दिया, आपने प्रोडक्ट का नाम बदल दिया या गुड्स को टुकड़ों में मंगा दिया तो पकड़े गए तो भी हम जो है इसका एक्सटेंशन मतलब हम उन केसेस में भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं, आप निश्चिंत मत रहना कि अब नहीं लगेगी। क्लियर, समझ में आया ये पॉइंट। और एक लास्ट रिफंड, एक बार क्या होता है जैसे 10,000 रुपए नॉर्मल वैल्यू आई, 7,000 रुपए आई एक्सपोर्ट प्राइस, 3,000 रुपए एंटी डंपिंग ड्यूटी बनी, इंपोर्टर को 3,000 रुपए ड्यूटी देनी पड़ रही है एक बार, और इंपोर्टर मजबूर भी है क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं यहाँ लड़ाई करने बैठ गया 3,000 कैसे ले सकते हो, 10,000 का आईफोन 5 है ही नहीं यूएस में तो ये 8,000 का है, 1,000 रुपए मैं दे दूंगा लेकिन 3,000 क्यों दूं। तो अब इंपोर्टर को पता है अभी लड़ूंगा तो केस लंबा खींचेगा, मोबाइल लेट मिलेंगे तो मैं आगे बेचूंगा क्या, आगे ऑर्डर ले रखे हैं। तो एक बार तो इंपोर्टर क्या करता है, टैक्स पे करके एक बार तो अपने घर ले जाता है, बाद में सरकार को ये सबूत लाके देता है कि यूएस में देख लो ये सबूत लाके दे रहा हूं गुड्स 10 का नहीं 8,000 में बिक रहा है, जबकि आपने 10,000 के हिसाब से मुझसे एंटी डंपिंग ड्यूटी ले ली। तो गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन बनाया है रिफंड ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी जो क्या कहता है, अगर इंपोर्टर ये एविडेंस लाकर दे दे, समझना, अगर इंपोर्टर ये एविडेंस लाके दे दे कि ये जो गुड्स है उसकी नॉर्मल वैल्यू ज्यादा निकाली है आपने, नॉर्मल वैल्यू तो कम है, तो उस केस के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको रिफंड भी दे सकती है। आप ये मत समझना कि अपना पैसा डूब गया, आपको एविडेंस लाने पर रिफंड मिल जाएगा। तो क्लियर हो रहा है एंटी डंपिंग ड्यूटी, फर्स्ट पॉइंट से अपन चलते हैं। पहला पॉइंट हो गया कब लगेगा, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी कम प्राइस में लो अगर होता है इंपोर्ट और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाना, मैक्सिमम अमाउंट मार्जिन ऑफ डंपिंग होगा, मार्जिन ऑफ डंपिंग मतलब नॉर्मल वैल्यू माइनस एक्सपोर्ट प्राइस होगा। ईओयू और एससीजेड से एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लेंगे, टुकड़ों में देश बदल के अगर मंगवाया तो उस पर भी लग सकता है, और बाद में सबूत ला के दे दो कि ज्यादा ले ली तो आपको रिफंड भी मिल जाएगा। क्लियर, ये समझ में आया। नेक्स्ट नेक्स्ट ड्यूटी का नाम है सेफगार्ड। सेफगार्ड का जैसे नाम है वैसे ही काम है, सेफगार्ड मतलब भारत की इंडस्ट्रीज को बचाना। अब बचाना मतलब फंस कैसे गए जो बचा रहे हो, एक्चुअल में कुछ चीजें ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल कार के इंजन ले लो, आज भी कार के इंजन इंडिया में नहीं बन रहे हैं, फॉरेन में ही बन रहे हैं, और उस केस के अंदर प्रॉब्लम ये रहती है अगर कोई चीज फॉरेन में इतनी सस्ती टेक्निक से बन रही है तो कोई बंदा इंडिया का सोचता है यार मैं बनाऊंगा भी तो भी महंगा पड़ रहा है, इससे अच्छा फॉरेन से ही मंगवाऊं। तो मेरी बात समझना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है अगर हमें पता चलता है कि कोई गुड्स ना तो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, ना उस पर कोई सरकार सब्सिडी दे रही है, कोई और दिक्कत भी नहीं नजर आ रही, लेकिन वो फॉरेन की कंट्री इतनी एडवांस है, उनकी टेक्निक इतनी एडवांस है, वो गुड्स अपने आप ही सस्ते में मिल रहा है, जिसकी वजह से इंडिया से कोई गुड्स खरीद नहीं रहा, या इंडिया की फैक्ट्रियां ही बंद हो रही हैं क्योंकि इंडिया में वो गुड्स महंगा ही बिक रहा है, क्योंकि अपने इंडिया में टेक्निक रॉ मटेरियल या कुछ भी कह लो वो महंगा है और उनके पास सस्ता है। तो अब करें क्या, उसको डंप आर्टिकल भी नहीं मान सकते,
सरकार सब्सिडी नहीं दे रही तो सब्सिडी ड्यूटी भी नहीं लगा सकते, तो उसका गवर्नमेंट ने रास्ता निकाला सेफ गार्ड ड्यूटी। और ये क्या कहता है, अगर हमें पता चलता है कि कोई गुड्स इंडिया में इतना ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है जिसकी वजह से भारत की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सीरियस इंजरी हो रही, सीरियस इंजरी मतलब कोई हाथ पैर की चोट लगना नहीं होता, सीरियस इंजरी मतलब होता है उनका माल नहीं बिक पा रहा, उनकी फैक्ट्री नहीं चल रही, उन्हें ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, तो अगर ऐसा पता चलता है गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है हम उस पर सेफ गार्ड ड्यूटी लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल सिटीजन वाले जो कैलकुलेटर आते मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना वाला 70 रुपए में भी आपको मिल जाता है, मेड इन इंडिया वाला 350 में मिलता है, चलते बराबर है, काम वही करते हैं, और मेड इन चाइना वाला 70 में भी इसलिए क्योंकि वो आता तो 5-10 रुपए में ही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 200% 300% सेफ गार्ड ड्यूटी लेती, वो ना ले तो वो 20-30 रुपए का ही हो जाएगा, समझ पा रहा है। तो फिर रीजन क्या है सेफ गार्ड ड्यूटी का क्लियर हुआ, कोई गुड्स इंडिया में इतना ज्यादा इंपोर्ट होता है जिसकी वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान पहुंच रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या लेगी, सेफ गार्ड ड्यूटी। पहला पॉइंट खत्म। पॉइंट नंबर टू, कितने सालों तक ये चल सकता है, गवर्नमेंट कहती है इनिशियल पीरियड है 4 इयर्स, 4 सालों तक का तो पावर है, फिर बाद में गवर्नमेंट चाहे तो इसे बढ़ाकर कितने साल तक कर सकती है, 10 साल। मतलब अगर जैसे सिटीजन के कैलकुलेटर की बात करूं, अगर 10 साल हो, 4 साल का था मान लो एक्सटेंशन ले लिया, 10 साल तक का ले लिया, 10 साल बाद भी अभी भी हमारे इंडिया का कैलकुलेटर महंगा ही बन रहा है, वो सस्ता बना रहा है, तो 10 साल बाद यूएनओ की गाइडलाइंस के हिसाब से अब आपको सेफ गार्ड ड्यूटी लगाना रोकना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो इसका टाइम पीरियड याद रख लिया, रीजन याद रख लिया, मैक्सिमम अमाउंट इसका कोई नहीं है इसलिए मैंने मैक्सिमम अमाउंट का पॉइंट लिखा ही नहीं, ठीक है। सेफ गार्ड ड्यूटी का कोई मैक्सिमम अमाउंट डिफाइन नहीं है, कितनी भी गवर्नमेंट की मर्जी हो लगा सकती है। क्लियर। अब जो पॉइंट बच गया वो ये, पहला नॉन इंपोजिशन मतलब कब किस केस के अंदर सेफ गार्ड ड्यूटी नहीं लगेगी। एक तो ये दो लोग तो है ही है, एसईजेड और ईओयू, ये गवर्नमेंट के दो जवाइन, ये फ्री है सेफ गार्ड से भी और एंटी डंपिंग से भी, ये इन दोनों को ये ना सेफ गार्ड देनी है ना एंटी डंपिंग, चलो ये तो फ्री होगा। अब ये सेकंड पॉइंट क्या है, ये थोड़ा पॉइंट अलग है। ये सेकंड पॉइंट कहता है डेवलपिंग कंट्रीज को भी कुछ छूट होनी चाहिए। देखो इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है, बांग्लादेश श्रीलंका ये सब डेवलपिंग है। यूएनओ ने बोला कि अगर आपके देश का कोई दूसरी कंट्री इस तरीके से आपका काम खराब कर रही है कि इतना इंपोर्ट होता है कि आपकी इंडस्ट्री चलती नहीं है तो सेफ गार्ड लगाओ। लेकिन सेफ गार्ड के बेसिक पीछे रीजन क्या है, डेवलप कंट्रीज बहुत ज्यादा हाई है टेक्निक में, डेवलपिंग तो नहीं है। अब कोई डेवलपिंग कंट्रीज आपको कोई गुड्स बेच रही है उस पर भी आप सेफ गार्ड लगा रहे हो तो आप उसका भी कंपैरिजन नहीं कर सकते क्या। तो गवर्नमेंट ने या यूएनओ ने कह दो एक एक्सटेंड एक्सेप्शन और इनकेस ऑफ डेवलपिंग कंट्री का प्रोविजन बनाया है जिसमें एक पर्टिकुलर लिमिट तक अगर इंपोर्ट होगा डेवलपिंग कंट्री से तो ये सेफ गार्ड ड्यूटी नहीं लगेगी। इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूं, देखो सामने समझना इसका एग्जांपल। जैसे मान लीजिए ये हमारा इंडिया हो गया, ठीक है, ढंग से समझना। इंडिया में इस साल 1000 कार्स इंपोर्ट हुई है, 1000 कार इंडिया में इंपोर्ट हुई है और गवर्नमेंट ने कहा है इतनी ज्यादा कार इंपोर्ट हो रही है कारों पर सेफ गार्ड ड्यूटी लगाई जाए। तो सेफ गार्ड ड्यूटी जैसे ही कोई कार इंपोर्ट होती है उस पर सेफ गार्ड ड्यूटी लगती है। अब क्या हुआ, 1000 में से मान लीजिए 20 कार जो है श्रीलंका से इंपोर्ट हुई, 20 कार श्रीलंका से इंपोर्ट हुई तो अब उस केस में क्या कहती है गवर्नमेंट कहती है अगर किसी केस में कोई डेवलपिंग कंट्री, श्रीलंका एक डेवलपिंग कंट्री है, किसी केस में कोई डेवलपिंग कंट्री हमें कोई ऐसा गुड्स इंपोर्ट कर रही है जो सेफ गार्ड में आता है लेकिन हमारे टोटल इंपोर्ट का 3% से ज्यादा नहीं है
तो उस केस में हम उस पर सेफ गार्ड ड्यूटी नहीं लगाएंगे। मतलब 1000 कार का 3% कितना होता है 30, ठीक है। 30 कार तक अगर श्रीलंका से इंडिया में गुड्स आ रहा है या कार आ रही है तो सेफ गार्ड ड्यूटी नहीं लगेगी। तो अभी श्रीलंका वाले बोले कि हमने तो 20 कार ही इंपोर्ट करी है, तो गवर्नमेंट कहती है 20 कार ही करी, मतलब 3 से कम है, 3 से कम है तो हम आपसे सेफ गार्ड ड्यूटी नहीं लेंगे। ये फायदा केवल किसको है? डेवलपिंग कंट्रीज को। अगर डेवलपिंग कंट्री आपको कोई माल देती है उस माल पर सेफ गार्ड ड्यूटी लगती है, लेकिन वो जो आपको गुड्स इंपोर्ट किया है वो टोटल इंपोर्ट का 3 से ज्यादा नहीं है, कम है, तो उस केस में आप फ्री हो, बच गया, आप पर सेफ गार्ड नहीं लगे। लेकिन अब एक और पॉइंट है, श्रीलंका ने कहा भाई मेरे तो 30 कार नहीं, कम है, लेकिन दो पॉइंट से बचना है श्रीलंका का। अब दूसरा पॉइंट क्या है, मान लो श्रीलंका भी इंपोर्ट करवा रही है, भूटान, पाकिस्तान और कौन कौन से डेवलपिंग कंट्री है, अफगानिस्तान, ठीक है, भूटान हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया और साउथ अफ्रीका ले लीजिए, यहां से भी कारें इंपोर्ट हो रही है और सबसे 20-20, ये सारी की सारी डेवलपिंग है, सबकी सब डेवलपिंग कर रही, कह रही है कि हमारे में से किसी का भी इंपोर्ट इंडिया में 3 से ज्यादा का नहीं है, तो हम तो सारी कंट्री सेफ हो गई। पॉइंट नंबर 2 कहता है चलो 3 से ज्यादा नहीं है आप बच तो गए, लेकिन आप सेकंड पॉइंट से भी बचो। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, अगर आप लोगों का एग्रीगेट, अगर आप सब लोगों का एग्रीगेट 9 से ज्यादा हो गया तो फिर भले ही कहते रहो 3 से ज्यादा नहीं है, 3 से ज्यादा नहीं है, सबके सब फंस जाओ। अब मतलब क्या हुआ, इन पांचों देशों की 20-20 करके टोटल कार कितनी हो रही है 100, ये 100 कार 1000 का कितना परसेंट होता है 10%, जो कि 9 से ज्यादा है। बेचारे सारे के सारे देश 3 से कम कर रहे थे तो सब देश खुश थे कि हम तो सभी बच गए, लेकिन ये अगला पॉइंट ने मरवा दिया जो ये कहता है अगर टोटल इंपोर्ट 9 से ज्यादा है तो उस केस के अंदर टोटल किसका, सारी डेवलपिंग कंट्रीज का 9 से ज्यादा है तो खुश मत हो आप लोग, आप लोगों पे सब पर क्या बोलते हैं सेफ गार्ड ड्यूटी लगेगी। यही अगर ये होता कि भूटान से जो गुड्स है वो मान लो 5 ही आते हैं तो फिर 100 की जगह ये 85 होता, 85 होता तो फिर पांचों देश क्या बोलते, देख लो सिंगल का 3 से कम है, हम सबका 9 से कम है, तो उस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है हाँ पांचों देश जो है सेफ गार्ड से बच गए। तो डेवलपिंग कंट्री को खुद का इंपोर्ट जो है वो टोटल इंपोर्ट से 3 से कम करवाना है, सारी डेवलपिंग कंट्रीज का 9 से भी कम रहना चाहिए तो जाके डेवलपिंग कंट्रीज बच सकती, ठीक है। जिनका 2 से कम 3 से कम है उनको सबको जोड़ के देखोगे क्या टोटल 9 से ज्यादा है तो सब पे लग जाएगा। और मान लो ऐसा भी है कि एक का 3 से ज्यादा है बाकी का टोटल 3 से कम है तो बाकी लोग फ्री, वो एक केवल 3 से ज्यादा वाला टैक्स देगा। क्लियर, समझ में आया? तो ये हुई हमारी एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये हो गई सेफगार्ड, क्लियर, ऑलमोस्ट सारी ड्यूटीज कंप्लीट हो चुकी है। अब एक क्वेश्चन करते हैं अपन, उसके बाद फिर आगे चलते हैं।